जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि संघार भैरव हैं कौन। तो आज हम आपको बताएंगे कि संघार भैरव कौन हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। आज आपको हम इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और संघार भैरव की जय। देखिए, पुराणों के अनुसार 8 भैरव बाबा होते हैं, परंतु उपासना या पूजा ज़्यादातर भैरव बाबा के दो रूप की जाती है। एक तो है बटुक भैरव और एक है काल भैरव। जो बटुक भैरव हैं वो भैरव बाबा का बचपन का रूप है, जिसे हम 5 वर्ष का मानते हैं। और बटुक भैरव बाबा की पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है। और काल भैरव बाबा जो बड़ा रूप है, और जो काल भैरव बाबा का काम ये है कि वो आपराधिक वो प्रवृत्तियों को ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं दोनों की पूजा होती है। पर पुराणों में जो 8 भैरव लिखे गए हैं, उन भैरों की अगर हम पूजा करते हैं तो हर भैरों से हमें अलग अलग कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हम अशितांग भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो हमें कलात्मकता बढ़ती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग भैरव बाबा की पूजा करने पे हमको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं संघार भैरव बाबा की। देखिए, जो संघार भैरव बाबा हैं, इनका रूप जो है बहुत ही अद्भुत है। देखिए, अद्भुत कैसे है बता दें आपको हम। इनका शरीर जो है पूरा लाल रंग का है, इनका रूप बहुत ही अद्भुत है, इनका जो शरीर है वो पूरे लाल रंग का है। और जो संघार भैरव बाबा हैं, ये कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। मतलब वो इस रूप, मतलब यह रूप संघार भैरव का है, वो नग्न है। और उनके मस्तक में, मतलब उनके माथे में कपाल स्थापित है, और जो कपाल है वो भी लाल रंग का है। फिर से बता दें आपको, इनका रूप बहुत ही अद्भुत है और इनका शरीर पूरे लाल रंग का है। और जो यह रूप उनका बिल्कुल नग्न है, मतलब कि वो कोई कपड़े नहीं पहने हैं, और उनके मस्तक में कपाल स्थापित है और कपाल भी लाल रंग का है। देखिए, संघार भैरव का वाहन कुत्ता है। और ये लिखा गया है कि संघार भैरव बाबा की 3 आँखें हैं, और संघार भैरव बाबा के शरीर पर सांपी सांप लिपटे हुए हैं। अब देखिए, फ़ायदा क्या होता है अगर हम संघार भैरव बाबा की पूजा करते हैं। देखिए, संघार भैरव बाबा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहते हैं। और संघार भैरव बाबा की 8 भुजाएं हैं और ये उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। मतलब संघार भैरव बाबा की दिशा उत्तर पूर्व है, और इनका नक्षत्र जो है वो रेवती है। इनका जो मंदिर है, जहाँ पर कहिए कि बहुत माना जाता है, संघार भैरव की पूजा बहुत की जाती है, वो तमिलनाडु के एक थिरुवेंकाडु एवं होसुर में है। तो ये 2 शहर हैं, थिरुवेंकाडु और होसुर, जहाँ पर इनका मंदिर पाया जाता है संघार भैरव बाबा का। तो देखिए, फिर एक बार बता दें आपको कि संघार भैरव बाबा का रूप बहुत ही अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है क्योंकि ये पूरे लाल रंग के हैं और ये कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, मतलब ये पूर्णतः नग्न है। और इनके मस्तक में कपाल स्थापित है, और जो कपाल है वो भी लाल रंग का है। और भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है। इनकी 3 आँखें हैं और इनके पूरे शरीर पे सांप लिपटे हुए हैं। और इनकी पूजा करने से समस्त, मतलब कोई भी पाप अगर करा हो आपने तो उससे मुक्ति मिल जाती है।
और संघार भैरव बाबा की 8 भुजाएं हैं और ये उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। इनका नक्षत्र रेवती है और इनका मंदिर तमिलनाडु के थ्रिवेंकाडु एवं होसुर में है। तो देखिए, हमने आज आपको संक्षिप्त जानकारी दी संघार भैरव कौन है। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें आज्ञा दें, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और संघार भैरव की।